नमस्कार, मेरे यानी विष्णु कुमावत के साथ आप ये हमारा स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं। आज ये इसका 7वां एपिसोड है। बात साल 1983 की है। इस साल पाकिस्तान में एक बवंडर आया था, ऐसा बवंडर जिसने पाकिस्तान की सेना खुफिया एजेंसियों की साख पर बट्टा लगा दिया। पाकिस्तान की अपनी जमहूरियत को लग रहा था कि उनकी सेना और खुफिया एजेंसियां नाकारा साबित हुई है, और ये जो दाग लगा था वो काफ़ी लंबा लगा था। आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया पाकिस्तान की सेना और एजेंसियों की खिल्ली उड़ा रही थी। पाकिस्तान में आज जश्न होना चाहिए था, लेकिन जश्न की जगह मातम पसरा हुआ था। हुआ यूँ कि उन्होंने आज एक हिंदुस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया था, नाम था इनायत मसीहा। इनायत मसीहा को पकड़ना बेहद बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इनायत ने जो बताया वो सुनकर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के हलक सूख गए। थर्ड डिग्री के बहुत असहनीय अत्याचार को सहते सहते भारत का नया नया अंडरकवर एजेंट दर्द के आगे हार गया, लेकिन अब वह सब कुछ बताने वाला था। इनायत मसीहा ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच था, कोरा सच। इनायत से पूछा गया कि पाकिस्तान की सबसे गोपनीय खबरें हिंदुस्तान तक पहुंचाने वाला पाकिस्तान में जासूस कौन है? इनायत मसीहा ने जवाब दिया और कहा, आपकी सेना के मेजर नवी अहमद साकिर। पाकिस्तान के अधिकारियों को ये बात कुछ हजम नहीं हो पा रही थी कि इनायत ने फिर से पलट के जवाब दिया, उर्फ लगाते हुए जवाब दिया और कहा, मेजर नवी अहमद साकिर उर्फ रविंद्र कौशिक। कौन थे ये रविंद्र कौशिक? नवी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सेना में मेजर रैंक पर पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी जासूस थे। ये उन्हीं की कहानी है। 11 अप्रैल 1952 को रविंद्र कौशिक ने राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में J.M. कौशिक और अमला देवी के घर जन्म लिया। तब शायद उनके माता पिता को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके घर हिंदुस्तान के सबसे बड़े जासूस ने जन्म लिया है और बेटा आगे चलकर देश की मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। रविंद्र कौशिक एक कमाल के अभिनेता थे और तो और हुलिया बदलने में भी माहिर थे। उन्हें बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों में थिएटर से इश्क हुआ। वो नाटक मंचन के कलाकार बन गए, लेकिन लखनऊ में भारत की खुफिया एजेंसी यानी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी ने एक दिन उनका नाटक देखने आए और बाद में लखनऊ के कई अधिकारी रविंद्र कौशिक पर नज़र रखने लगे। उन्हें एक कमाल का जासूस रविंद्र में नज़र आ रहा था। रविंद्र से पूछा गया, क्या रो में काम करोगे? रविंद्र ने इसके लिए हाँ भर दी। रो को पता था कि रविंद्र हुलिया बदलने में माहिर है और एक्टिंग में भी मजे हुए हैं। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और उनसे वो जानकारी जुटाई जाए जो भारत के लिए बहुत अहम है। रविंद्र कौशिक का सबसे पहले सर्कमसीजन यानी इस्लामिक तरीके से खतना किया गया ताकि वो पाकिस्तान जैसे देश में मुसलमान बनकर बेरोक टोक अपना काम कर सके। उसके बाद रविंद्र को उर्दू की गहन शिक्षा दी गई, उन्हें धार्मिक इस्लामिक शिक्षा दी गई। इसके अलावा राजस्थान का श्री गंगानगर ज़िला पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वहाँ के लोग फराटेदार पंजाबी बोलते हैं और रविंद्र को पंजाबी में महारत हासिल थी। अब वक्त आ गया था जब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेज दिया गया। ये भारत में इमरजेंसी का समय था, लेकिन पाकिस्तान पर रविंद्र कौशिक के जाने से जो गाज गिरने वाली थी वो भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं थी। रविंद्र अब नवी अहमद साकिर हो गए और कराची की लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करके बाहर आए। ग्रेजुएशन करना और पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की जानकारी जुटाना उनका मकसद था और इसी LLB के आधार पर वो पाकिस्तानी सेना में कमीशन्ड अधिकारी बन गए और प्रमोशन होते होते पाकिस्तान की सेना में वो मेजर बन गए। उन्होंने पाकिस्तान की सेना की वो खुफिया जानकारी भारत को देना शुरू की जो बेहद महत्वपूर्ण और सामरिक मुद्दों पर जुटी हुई सीक्रेट जानकारियाँ थी। इन जानकारियों के लगातार लीक होने से पाकिस्तान की सेना और एजेंसियों में हड़कंप मच गया, लेकिन वो इस काबिल जासूस को पकड़ने में नाकाम रही।
उनकी हर चाल का करारा जवाब रविंद्र के पास पहले से तैयार होता था। पाकिस्तान कभी ये पता नहीं लगा पाया कि उनकी सेना में से एक अफसर भारत का रहने वाला है। साल 1979 से लेकर 1983 तक भारत को पाकिस्तान की हर चाल की जानकारी दी और तकरीबन 20,000 भारतीय फौजियों की जान भी पाकिस्तानी चालों से बचाई। भारत में तत्कालीन गृह मंत्री SB चव्हाण ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का खिताब दिया, लेकिन रॉ के अलावा उनकी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की गई। लोग ब्लैक टाइगर को तो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये है कौन और रहता कहाँ है, कोई नहीं जानता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की ही एक लड़की अमानत से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। रविंद्र के लिए अपना देश ही सब कुछ था। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए कई बार पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ छेड़े जाने वाले संभावित युद्धों की जानकारी पहले ही भारत को देकर पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। साल 1983 में इनायत मसीहा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और सियालकोट की एक जेल में 2 साल तक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने उनके साथ बेहद बर्बर सलूक किया, अत्याचार किए, लेकिन रविंद्र कौशिक कभी नहीं टूटे और भारत की कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी। 16 साल तक उन्हें पाकिस्तान की सियालकोट, कोटलकपुर, मियांवाली जैसी जेलें उनकी क्रूर मानवीय यातनाओं की उदाहरण रही। इसी दौरान उन्हें टीवी और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होने लगी और देश का ये बहादुर हीरो, जिसकी काबिलियत और वीरता की कोई दूसरी मिसाल नहीं थी, नवंबर 2001 में मुल्तान की सेंट्रल जेल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कुछ लोग उनके बारे में यह भी कहते हैं कि वो देश से नाराज थे, उनकी मदद नहीं की गई, लेकिन हर अंडरकवर एजेंट और जासूस को ये पता होता है कि जासूसी के उस काम में उनका क्या अंजाम हो सकता है। 16 साल तक बर्बरता सहने के बाद एक शब्द भी अपने देश के खिलाफ नहीं बोला। वो परमवीर ऐसी बातों से कभी डरा भी नहीं। रविंद्र के जीवन से प्रेरित 2 मशहूर फिल्में बनी, एक सलमान खान की एक था टाइगर और दूसरी जॉन अब्राहम की रोमियो अकबर वॉल्टर। लेकिन असली हीरो की कहानी इसी असल अंदाज से कभी दिखाई नहीं गई। ब्लैक टाइगर की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में हमें अपना मत भी बताएं ताकि हम आने वाली ऐसी और कहानियां बना सकें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.